बनाएंगे व्रत की सकरगंधी की चाट। इसके लिए हमने ये सकरगंधी उबाल के इस तरह से काट लिया है। अब एक बर्तन में ये हरी मिर्च, अदरक, हरी धनिया की चटनी ये करीब 2 से 3 चम्मच ले लें। ये सीधा नमक डाल के बनाया है हमने, 3 चम्मच हरी धनिया की चटनी, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डाल दे, आधा नींबू का रस डाल दे, चटनी में भी नींबू डाला हुआ है, थोड़ी हरी धनिया की पत्ती डाल दे, इन सबको अच्छे से मिक्स कर ले। अब इसमें ये उबली हुई शकरकंदी डाल दे, थोड़े अनार के दाने डाल दे, अब इन्हें अच्छे से मिक्स करें। हम इसमें लाल मिर्च नहीं डालेंगे, हरी मिर्च डाल दिए हैं हमने, इन्हें अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करें। ये शकरकंदी की चाट रेडी है, इसे आप सर्व कर दें। शकरकंदी की चाट रेडी है, इसे इसी तरह सर्व करें।